अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फूडी सिटी में आज एक नई रेसिपी चटपटी अमरूद के चाट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही जूसी, बहुत ही चटपटी, लजीज, मज़ेदार ये अमरूद की चाट है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं गावा चाट की, चटपटी अमरूद की चाट के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चटपटी अमरूद की चाट बनाने के लिए हमारे पास अमरूद है। अमरूद काटने के लिए इसको इस तरह से दो हिस्से दरमियान से कर लिए हैं अच्छी तरह से धोने के बाद, और भी इसके हम जो दरमियान में इसके जो बीज हैं इसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये दांतों में आते हैं और अच्छा नहीं लगता इसको खाने में, इसलिए बीज जो है वो निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। और इस तरह से इसके क्यूब्स के अंदर कटिंग कर लेंगे। जो अमरूद अभी हमने लिए थे उसकी मैंने ये कटिंग कर ली है। यहाँ हमारे पास ये 2 किलो अमरूद हैं जिनके मैंने इसी तरह से बीज निकाल के कटिंग कर ली है। जो अभी मैंने अमरूद काटा है वो भी इसमें शामिल कर लेते हैं। अब हमारे पास जो मसाले हैं उसमें ये कैस्टर शुगर है, सफ़ेद दानेदार चीनी जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, और ये तकरीबन आधा कप से पौना कप चीनी मैंने ली है। इसके अलावा 2 बड़े साइज़ के ये लेमन हैं, इनका हम जूस इस्तेमाल करेंगे। अभी 1/2 टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च है, और इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो सफ़ेद नमक है। 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा इसके अंदर काला नमक लिया है। और ये हमारे पास चाट मसाला है जो कि मैंने 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून भर के लिया है, और 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर है। इसके अलावा हम इसके अंदर ये हॉट सॉस जो है इसका 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे। ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अब मैं अमरूद के अंदर डाल देती हूँ। अमरूद में ये हम ये सारे मसाले डाल देंगे, इसमें ये सफ़ेद मिर्च भी डाल देंगे। हॉट सॉस 1 टेबलस्पून, और कैस्टर शुगर अभी मैं इसमें 1/2 कप डालूंगी, फिर जितनी ज़रूरत होगी तो इसमें और इस्तेमाल कर लेंगे। लेमन जूस जो एक बड़े साइज का ये लेमन है, इसके नीचे से छन्नी रख लेंगे ताकि इसके बीज जो है वो अंदर ना जा सके। तमाम इंग्रेडिएंट्स को इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। चीनी इसके अंदर हम जो दानेदार सफ़ेद चीनी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको चूंकि डिजॉल्व होने में टाइम लगता है इस वजह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया ताकि ये फौरन ही इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चाट बिल्कुल तैयार है, आप देख सकते हैं कि ये कितनी जूसी चाट तैयार हुई है। इसके अंदर बहुत अच्छा इसका जूस जो है वो बन गया है, बहुत ही जूसी और बहुत ही ये लजीज चाट है। चटपटी अमरूद की चाट बिल्कुल तैयार है। इससे पहले भी मैंने अमरूद की चाट तैयार की है, वो भी इससे बिल्कुल डिफरेंट थी, वो भी बहुत मज़ेदार थी। इस चाट को भी तैयार कीजिएगा, ये चटपटी और मसालेदार चाट है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ये जूसी चाट है। मेरी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।